हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके बास्केट। मैं केशव, स्वागत करता हूँ आपका जीके बास्केट में। एंड फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल कि मैं करंट अफेयर्स और वोकेबलरी का द हिंदू न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट्स आपका वोकेबलरी होता है और जो न्यूज़ होता है उसका मैं जो सीरीज चला रहा हूँ, उसमें आज हम लोग 10 फेब 2018 का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा वो देखेंगे फ्रेंड्स। और ये करंट अफेयर्स और वोकेबलरी आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे बैंक, SSC, NTA, CDS, UPSC, DSSSV या KVS, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे इस प्रोग्राम के साथ बने रहिएगा। प्रोग्राम का नेम है रीड न्यूज पेपर एंड लर्न वोकेबलरी विद GK बास्केट। 10 फेब 2018 का न्यूज पेपर हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपनी न्यूज पर। तो उससे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों ने अगर मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में आपको बेल आइकन मिल रहा है, उसको भी हिट कीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की पहली न्यूज पर, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, मालदीव क्राइसिस जो चल रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं मालदीव क्राइसिस, इंडिया इन टच विद US चाइना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मालदीव क्राइसिस है उसको लेके पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, पीएम मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच में फोन पर चर्चा हुई है। हालांकि उन्होंने साथ में काम करने के लिए राजी हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है कि मालदीव में जो क्राइसिस चल रहा है उसके अगेंस्ट करना क्या है। तो बोथ लीडर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द पॉलिटिकल क्राइसिस इन मालदीव एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। तो देखो, जो बात की है उन्होंने, क्या कहा है कि हम लोगों को वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, मतलब प्रजातांत्रिक जो हमारे देश हैं, ठीक है, उनका जो ढांचा है उसको बना के रखना है, और रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन भी बना के रखना है। और यहां पर क्या हुआ है, यू नो वेरी वेल, सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाकर। तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहां पर देखिएगा जो बात हुई है, तो उसके थोड़े हम चर्चा कर लेते हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक ऑन द टेलीफोन टू डिस्कस द अपकमिंग 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग इन दिल्ली व्हेन द सिचुएशन इन द मालदीव वॉज डिस्कस्ड, द व्हाइट हाउस सेड। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग होती क्या है, मैं आपको बता दूं 2+2 क्या होता है। इसमें होता है कि फॉरेन अफेयर्स, मतलब विदेश मंत्री प्लस डिफेंस मिनिस्टर, ये हमारे भारत के भी होंगे और साथ में किसके किसके यूएसए की सेक्रेटरी भी होंगे। तो यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी में बात करूंगा, डिफेंस सेक्रेटरी, ये दोनों, और साथ में क्या हमारे इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, तो इनकी जो मीटिंग होगी उसे बोलते हैं 2+2 मीटिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें बात क्या हुआ है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का यहां पर रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है और रूल ऑफ लॉ यहां पर वायलेट हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट हम लोग को कुछ ना कुछ करना होगा, बट अभी तक किसी ने कुछ डिसाइड नहीं किया है। और साथ में किन मुद्दों पर बात हुई इनकी कल, तो जो मुद्दे हैं वो रोहिंग्या रिफ्यूजीज है, प्लाइट ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज, जो रोहिंग्या रिफ्यूजन की दशा, ठीक है, दुर्दशा जो है उसके रिगार्डिंग बात हुई है, ठीक है। और साथ में डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो बार बार धमकी देता है न्यूक्लियर पावर की, तो उसको डी न्यूक्लियराइजेशन करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये हमारे मुद्दे थे कि रोहिंग्या रिफ्यूजी की, प्लाइट ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजी एंड डी क्लियराइजेशन, ठीक है, डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड साथ में मालदीव को लेकर ये जो चर्चा हुई है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कल हमारे मोदी और पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये चर्चा हुई है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या बोला है, इन लोगों ने एक ही बात बोली है कि प्रजातांत्रिक जो संस्थाएं हैं, जो देश हैं, ठीक है, उनकी सत्ता, उनकी प्रभु सत्ता बना के रखना है, सॉवरनिटी बना के रखना है, और साथ में क्या कि कानून का पालन होना चाहिए, ठीक है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो ये मुद्दे थे कल की बात के। हालांकि अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है कि आगे करना क्या है, बट जो अपकमिंग मीटिंग होने जा रही है 2+2 मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें ये डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, अगर कंडीशन ऐसी ही बनी रही तो। फ्रेंड्स, चलते हैं अगली न्यूज पर। पंजाब गवर्नमेंट मूल्स क्रिएट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर्स फॉर टीचर्स। देखो ये इंपॉर्टेंट न्यूज कैसे है, कभी आपको ऐसे लिखना जाए, ठीक है, तो ऐसे के लिए आपसे पूछ सकता है कि एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, ठीक है, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे। तो एक बहुत अच्छा स्टेप्स उन्होंने ये बताया है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने, क्या, इन अ विड टू ब्रिंग द एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट ऑन ट्रैक, द पंजाब गवर्नमेंट इज मूलिंग द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर फॉर टीचर टू इंश्योर दैट दे
रैमन पोस्टेड, दे रिमेन पोस्टेड इन द सेम एरिया लीडिंग टू सोशल प्रेशर ऑन दैम टू परफॉर्म। तो कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो टीचर की पोस्टिंग है वो टीचर की पोस्टिंग हमें उनके डिस्ट्रिक्ट कैडर में कर देना चाहिए, ताकि डिस्ट्रिक्ट कैडर में करने पर क्या हो जाएगा कि उनपे सोशल प्रेशर आएगा, सामाजिक दबाव आएगा कि आप बच्चों को अपनी जिम्मेदारी से पढ़ाएं। तो एक उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है, इसके लिए मीटिंग गठित की है, ठीक है, इसके लिए उन्होंने कमिटी बनाई है और कमिटी के रिकमेंडेड मांगी है। तो आपको केवल एक स्टेप ये ले लेना है कि कभी आपको ऐसे लिखना पड़े तो आप बता सकते हो कि एजुकेशन रिफॉर्म के लिए एक हमारा ये भी सजेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो सी एम होल्ड्स मीटिंग विद रिसर्चर एंड प्रोफेसर, तो इसके रिगार्डिंग वो रिसर्चर एंड प्रोफेसर साथ मीटिंग करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि इस तरीके का ये प्रावधान लागू होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहां पर एक वर्ड आ रहा है, ठीक है, मुल्स। मुल्स मतलब क्या होता है, कंसीडर करना, क्या करना, कंसीडर करना मतलब विचार करना। अभी तक इन्होंने क्या, अभी तक इन्होंने इम्पोज नहीं किया है अपना ये जो डिसीजन है, ठीक है, या मैं बोलूं कि जो क्रिएशन करने के लिए इन्होंने जो प्लानिंग की है कि हमें कैडर बनाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कैडर, तो ऐसा कुछ उन्होंने कैरी आउट नहीं किया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगली न्यूज पर, केरला पंजाब तमिलनाडु इन गुड हेल्थ, ठीक है, ये समझना, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखो जरा न्यूज क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। केरला पंजाब एंड तमिलनाडु वर द टॉप रैंकर्स नीति आयोग लेटेस्ट हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट विच हैज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेम्प्टेड टू एस्टेब्लिश एन एनुअल सिस्टमेटिक टूल टू मेजर एंड अंडरस्टैंड द हेटरोजेनाइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेशन परफॉर्मेंस इन द सेक्टर। तो नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने एक सर्वे किया है, सर्वे करने के बाद एक इंडेक्स तैयार की है और इंडेक्स के आधार पर बताया है क्या कि देश में जो मेडिकल समस्याएं हैं, यानी मेडिकल्स हेटरोजेनाइटी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेटरोजेनाइटी को विविधता, जो विविधता है देश में या जो जटिलता है मेडिकल सिस्टम में उसके उससे रिलेटेड इन्होंने एक इंडेक्स बनाई और उस इंडेक्स में कई सारे राज्यों को उनकी रैंकिंग दी है कि कौन से राज्य में मेडिकल जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या मैं बोलूँ कि मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो अच्छी है और किस राज्य में हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा है। तो इन सब के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंडेक्स तैयार किया जिसमें केरला पंजाब तमिलनाडु क्या है, इन गुड हेल्थ, ठीक है। अब यहां पर साथ में डॉक्यूमेंट डेवलप बाय नीति आयोग विद टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें थ्री ऑर्गन, एक क्या है हमारा नीति आयोग साथ में, और दूसरा वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस कर रहा है, तीसरा हेल्थ मिनिस्ट्री कर रही है। तो तीन तीन लोगों के द्वारा ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या इंडिकेटर्स क्या देखे इन्होंने, नियो नटाल मोर्टैलिटी रेट, अंडर फाइव मोर्टैलिटी रेट, फुल इम्यूनाइजेशन कवर एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ठीक है। तो ये सारे क्या थे इनके, ये सारे इंडिकेटर्स थे कि नियो नटाल होता है कि नवजात शिशु की कितना शिशु मर जाता है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। उसके बाद अंडर फाइव मोर्टैलिटी रेट देखते हैं कि 5 साल तक ऐसे कितने शिशु हैं जिनको 5 साल तक मृत्यु हो जाती है, या फिर मैं बोलूं फुल इम्यूनाइजेशन की बहुत सारे वैक्सीन प्रोग्राम चलते हैं जिनमें वैक्सीनेशन दिया जाता है तो फुल इम्यूनाइजेशन हो पाता है कवरेज या नहीं हो पाता, जैसे मैं पोलियो बोलूं, हेपेटाइटिस वी बोलूं, ठीक है। तो इस तरीके से या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है कि समय पर उनका उपचार होना, ठीक है, ट्रीटमेंट टाइम से हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, या जो मेडिसिन मिल रही है वो मेडिसिन हॉस्पिटल से ही मिल रही है, बाहर से मिल रही है। तो इस तरीके के क्या, इस तरीके का जो इंडिकेटर्स बना के रखा था उसके आधार पर राज्यों को इन्होंने रैंकिंग दिया, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो नीति आयोग द रिपोर्ट वाज रिलीज्ड, जो रिपोर्ट रिलीज की गई वो किसके द्वारा, अमिताभ कांत के द्वारा। तो एक क्वेश्चन ही बनता है, अमिताभ कांत कौन है, सीईओ। इनका जो टर्म था 2019 तक बढ़ा दिया गया, नीति आयोग के सीईओ हैं जो कि अपॉइंटेड होते हैं पीएम के द्वारा, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं रैंक टॉप रैंक पर कौन रहा। तो केरला रैंक्स ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ध्यान रखना कि नीति आयोग के द्वारा बनाई गई इंडेक्स में केरला टॉप पर रहा और हालत किसी गंभीर होगी यार, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, समझे ना। तो ये याद में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दिस इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू नज स्टेट टू वर्ड्स फर्दर अचीविंग
आर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर हेल्थ सिस्टम एंड पॉपुलेशन हेल्थ आउटकम। तो ये रिपोर्ट इसलिए बनाई गई है, इस रिपोर्ट से क्या होगा, कम से कम अगर हम इस तरीके से रिपोर्ट तैयार करते हैं, यानी नीति आयोग तैयार करता है और वो एक्सपोज करता है इस रिपोर्ट को, तो इससे क्या होगा कि स्टेट की जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, या मैं बोलूं कि स्टेट का जो डेड डेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिवील होगा, और इससे क्या होगा कि जब हम इस तरीके की रैंक देंगे तो उत्तर जो भी सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड होगी कि कहीं ना कहीं उसको सुधार जरूर करना पड़ेगा, पॉलिटिकल सोशल प्रेशर उसके ऊपर जरूर बनेगा। तो नज मतलब होता है इशारा करना या किसी को धकेलना उसकी ओर, ठीक है। तो ध्यान रखना नज स्टेट्स, तो स्टेट को किस ओर धकेलेंगे कि स्टेट्स अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं सुधार करें, तो ध्यान रखना। और साथ में उन्होंने बोला है अब जून में भी इस तरीके का सर्वे होगा जिसमें बोला जाएगा क्या, जिसमें जो भी हमारे स्टेट्स होंगे, अच्छे स्टेट होंगे उनको रैंक दिया जाएगा, और जो खराब स्टेट होंगे उनको रैंक नहीं दिया जाएगा, उनका नेम दिया जाएगा उनका, ठीक है। तो काफी अच्छी इनिशिएट है, ठीक है, किसके द्वारा, नीति के द्वारा चलाया गया है, और टॉप पर कौन है, केरला। चलते हैं अगली न्यूज पर, डिस्क्वालीफाई गोवा मिनिस्टर। तो ध्यान रखो, डिस्क्वालीफाई गोवा मिनिस्टर कौन कौन, कांग्रेस कहता है कि गोवा मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दो। तो ये गोवा मिनिस्टर कौन है, बिस्वजीत राणे। आखिर इनका इश्यू क्या था, तो आप पढ़ सकते हैं यहां से, लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये जो गोवा मिनिस्टर थे, ठीक है, जब लास्ट टाइम गोवा में जब सरकार बनी 2017 में, तो ध्यान रखना इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सरकार का विरोध कर दिया, ठीक है, इन्होंने बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसको विरोध कर दिया, मतलब जब वोटिंग करने का टाइम आया तो इन्होंने अब्सटेन कर लिया, अब्सटेन मतलब अपने आप को उससे अलग कर लिया, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं यहां पर आपको न्यूज में बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये है, अ थ्री जजेस बेंच लेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा इशू नोटिस टू द स्टेट ऑफ गोवा, द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, द गोवा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ द गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम प्रोटेम स्पीकर सिद्धार्थ श्रीपद एंड मिस्टर राणे अमंग अदर बीजेपी लीडर्स इन द स्टेट। द कांग्रेस सेड, तो यहां से देखो कहानी पूरी स्टार्ट होती है, द कांग्रेस सेड मिस्टर राणे डिफाइड अ पार्टी, डिफाइड मतलब था आज्ञा का पालन न करना या बात न मानना या विरोध कर देना, पार्टी व्हिप टू वोट अगेंस्ट द परिकर गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फ्लोर टेस्ट कंडक्टेड इन द गोवा असेंबली ऑन मार्च 16 ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहां पर यही रहा था कि इन्होंने डिफाई किया, किसको डिफाई किया इन्होंने, इन्होंने डिफाई किया पार्टी व्हिप। तो पार्टी व्हिप क्या होता है इसको समझेंगे, एक पॉलिटिकल एक टर्म्स है, इन इंडिया द पार्टी व्हिप डायरेक्ट्स, निर्देश देता है किसको, पार्टी मेंबर्स को, टू स्टिक टू द पार्टीज स्टैंड ऑन सर्टेन इश्यूज, कि पार्टी के जो भी विवाद हैं, निश्चित जो मुद्दे हैं उनके साथ आप बने रहिएगा, और साथ में उनसे बोलता है कि एज पर द डायरेक्शन ऑफ सीनियर पार्टी मेंबर्स, पार्टी मेंबर्स के जो भी पार्टी है उसके जो सीनियर मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको वोट भी करना होगा, समझना। व्हिप कैन नॉट बी यूज इन ऑल केसेस, अब देखो यहां पर एक वर्ड दे रहा है कि व्हिप जो है वो हर एक केस में यूज नहीं, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है तो पार्टी मेंबर्स जो होते हैं सीनियर पार्टी मेंबर, वो अपने मेंबर से नहीं कह सकते हैं कि आप इस प्रेसिडेंट को वोट दो, तो वहां पे व्हिप यूज नहीं होता, बाकी जगह पे क्या व्हिप यूज, तो व्हिप क्या है हम बोल सकते हैं कि जस्ट एक ग्रुप है, ठीक है, किसका, मिनिस्टर्स का, और वो क्या करता है डायरेक्शन देता है, किसको देता है कि जो मेंबर होते हैं उनको, कि आपको पार्टी के अनुसार चलना होगा, और पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं सीनियर मेंबर्स हैं वो जिस, वो अगर आपको वोट देने के लिए कहते हैं जिस मुद्दे पर, तो उस मुद्दे पर आपको वोट देना होगा, आप उसका विरोध नहीं कर सकते, अगर आप उसका विरोध करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, उनके खिलाफ प्रोसेस चलती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने विरोध कर दिया, विरोध करने के बाद रेजिग्नेशन लेटर अपना दे दिया, किसको, लोक जो आपका स्पीकर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को उन्होंने दे दिया, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो होनी चाहिए प्रोसेस वो नहीं हुई, और फिर दोबारा से क्या, कि दोबारा से इनको बाई इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, क्या बना दिया गया, मिनिस्टर बना दिया गया। तो ध्यान रखना, तो यही इसी बात को लेकर कांग्रेस चला गया किसमें, कोर्ट में, कि यहां पहले देखो इस तरीके से इन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था लेकिन प्रोसेस के थ्रू इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया था और फिर से इनको मिनिस्टर बना दिया, तो इसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ठीक है हम देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है, जिस तरीके से कार्रवाई होती है आगे देखेंगे। तो समझ में आया कि मैटर क्या था, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं आपको बताना था वो था व्हिप इन इंडिया, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि विश्वजीत राणे क्या कुछ इनका मामला रहा, लेकिन व्हिप क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि एक पॉलिटिकल टर्म्स होता है। चलते आगे, अगली न्यूज करते हैं, हॉस्पिटल टर्न अवे पेशेंट विदाउट आधार। देखो आधार के दो मुद्दे मैं यहां पर लेके आया हूं, तो ये तो बहुत गलत बात है,
ठीक है, अ होमलेस एंड मेंटली चैलेंज एचआईवी पेशेंट अलेजली डिनाइड एडमिशन एट 3 गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल इन कैलकाटा आफ्टर फेल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एन आधार। तो ध्यान रखो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उनमें उसको एडमिशन नहीं दिया गया, उसको एडमिट नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए कि आधार मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है आधार को लेके। और दूसरे न्यूज क्या है, आधार कुड बी यूज टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस। तो ध्यान रखो यहां पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू अमेंड द रूल्स फॉर ड्राइविंग लाइसेंस प्रपोजेस आधार एज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट कैन बी सबमिटेड फॉर एड्रेस एंड एज प्रूफ। लॉ एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद सेड इन रिटन स्टेटमेंट टू राज्यसभा ऑन फ्राइडे इट सेड द नोटिफिकेशन टू अमेंड द लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन सबमिटेड टू द लॉ मिनिस्ट्री फॉर वेटिंग। वेटिंग मतलब होता है जांच करना। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या कि तो लॉ मिनिस्ट्री को इस तरीके का एक प्रोविजन या प्रस्ताव मैं बोलूं भेज दिया गया और वो जांच कर रही है क्या आधार एज प्रूफ के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसको? ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए, तो एज प्रूफ एंड एड्रेस के लिए आधार को लिया जाना चाहिए या नहीं, तो इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया गया है रविशंकर प्रसाद। ठीक है, रविशंकर प्रसाद को, कौन है? लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है ये। ठीक है, ध्यान रखना, तो वेटिंग मतलब जांच के लिए। चलो, नो फिजिकल इनकॉम्पिटेंस जेटली, जेटली कहते हैं कि नो फिजिकल इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, फिजिकल क्या होता है? राजकोषीय। ठीक है, और इनकॉम्पिटेंस क्या होता है? अनियमितता, अनियमितता। तो राजकोषीय अनियमितता नहीं है, किसने बोला? जेटली। तो अनियमितता क्या होती है कि हम लोगों ने बजट जो है बजट को इंट्रोड्यूस किया, बड़ी बड़ी स्कीम कर दी होगी लेकिन उसकी फंडिंग कहीं से हो नहीं रही हो, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इनकॉम्पिटेंस बोलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग बोला है जेटली ने कि नो फिकल इनकॉम्पिटेंस। हम लोग क्या कर सकते हैं? कैपेबल हैं कि बजट में जो हमने स्कीम दी है उन स्कीम पर जो खर्चा होता है वो हम बजट से कर सकते हैं। तो ऐसा कौन राज्यसभा में जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं वो ऐसा बोल रहे थे कि गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंस, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं उसने दे दी हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पे देखो, पी चिदम्बरम चार्जेस दैट वाई रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट टैक्स टू 25% फॉर कंपनीज विद इन टर्नओवर अप टू 250। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले क्या था कि 30% जो 50 करोड़ का किसी का टर्नओवर होता है 30% कॉर्पोरेट टैक्स लगता था, लेकिन अब कितना कर दिया गया है? अब कर दिया गया है कि 25, कहां तक? एक लिमिटेशन है 250 करोड़ तक। तो बोले कि इतना टैक्स में आपने गिरावट कर दिया, पैसा कहां से पे करोगे? तो उन्होंने बोला, भाई मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू नुकसान नहीं है, रेवेन्यू की तो छोड़ो, इसके साथ क्या होगा कि माइक्रो स्मॉल या मिनी, ठीक है, इस तरीके के जो सेक्टर है वो डेवलप होंगे, जब वो डेवलप होंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो उन्होंने बोल दिया कि सूक्ष्म लघु उद्योग हैं, ठीक है, उनकी स्थापना होगी और उनसे जॉब मिलेगा अगर मैं यहाँ पे इसका टैक्स की रेट कम कर देता हूं। तो ये बात इनकी रही। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला है क्या कि ऑन द रिवाइज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फॉर्म प्रोड्यूस। तो मिस्टर जेटली सेड इंडिकेशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वर दैट द बेसिस फॉर कैलकुलेशन वुड बी एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर। तो उन्होंने कहा है कि आप जो बोल रहे हैं कि आपने एमएसपी को डेढ़ गुना कर दिया पहले से, कि जितनी फसल होगी उसकी हम प्रोडक्शन कॉस्ट का डेढ़ गुना एज एमएसपी आपसे परचेज करेंगे। तो बोले पैसा कहां से आप इतना दोगे? तो उन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से हमने बात किया है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कह रही है वी आर कैपेबल, हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यही बोल रहा है कि नो फिजिकल इनकॉम्पिटेंस। तो मैंने आपको दो फैक्ट बताया, एक एमएसपी डेढ़ गुना कर दिया गया प्रोडक्शन कॉस्ट का, एक कॉर्पोरेट टैक्स था वो 25% कर दिया गया, कहां तक? 250, टर्नओवर कितना चाहिए? 250 करोड़ तक। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। लोकसभा एडजर्न टिल मार्च 5। तो यहां पर देखो, एडजर्न, एडजर्न मीन्स क्या होता है? स्थगन होता है। क्या होता है? स्थगन। तो कब तक बोला है स्थगन? 5 मार्च तक बोला है। तो यहां पर आपको एडजर्न, प्रोरोगेशन और एक क्वेश्चन ओवर, ये तीन चीजें मैं आपको समझा देता हूं, ये 3 टर्म्स हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं प्रोसीडर ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट जगह सदन जब चलता है तो ये प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जिनके द्वारा प्रोसीडिंग होती है। तो एडजर्नमेंट क्या हुआ? स्थगन हुआ। एंड एडजर्नमेंट सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम विच मे बी आवर्स, डे और वीक। अब बता दूं आपको, जो लोकसभा स्पीकर होता है, ठीक है, वो क्या करता है? वो एडजर्नमेंट करता है, ठीक है, स्थगन करता है कि कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, ये क्या है,
ये रूलिंग पार्टी, ये अपोजिशन पार्टी, और ये विरोध कर रहे हैं किसी मुद्दे को लेके, तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो एडजमेंट कर देगा। एडजमेंट जब वो करेगा तो बता देगा कि जो हमारी ये एडजमेंट कब तक किया गया है, 5 मार्च तक किया गया है। तो ध्यान रखना क्या है, एक स्पेसिफाइड उसने टाइम बता दिया, तो इसे बोलते हैं स्थगन। स्थगन करने का राइट किसके पास होता है, लोकसभा स्पीकर के पास होता है। दूसरा आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन कब होता है, एक आपको और टर्म होता है एडजमेंट से जुड़ा हुआ, वो होता है एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजमेंट साइन डाई जिसमें क्या होता है, एडजमेंट साइन डाई लोकसभा स्पीकर तभी करता है, या मैं बोलूं राज्यसभा में भी होता है, ठीक है, स्थगन होता है। तो यहां पे एडजमेंट साइन डाई में क्या होता है कि जब सेशन कंप्लीट हो जाता है, सेशन पे सारी चर्चा हो चुकी है, सारे मुद्दे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस कंडीशन में लोकसभा स्पीकर या मैं बोलूं राज्यसभा सभापति क्या कर देगा, एडजमेंट साइन डाई घोषित कर देगा। कि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया जाता है, लेकिन एडजमेंट में स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि अगली मीटिंग 5 मार्च मतलब 6 मार्च से होगी, तो इसमें कोई टाइम दिया जाता है। तो एडजमेंट साइन डाई मैंने आपको बताया, जब एडजमेंट साइन डाई हो जाता है, सेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट क्या बोलता है कि अब हम प्रोरोगेशन कर रहे हैं, सत्र अवसान कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रोरोगेशन करने का राइट किसके पास है, ध्यान रखना कौन है वो, प्रेसिडेंट। आपसे पूछेगा एडजमेंट करने का तो लोकसभा स्पीकर, आपसे पूछेगा एडजमेंट साइन डाई करने के लिए तो लोकसभा स्पीकर, दोनों में, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन ओवर क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि 11-1 एंड 2-6 ये टाइम होता है पार्लियामेंट में चर्चा का। तो ध्यान रखो क्वेश्चन आवर होता है कि पहला और मतलब 11-12 ये क्या होगा, क्वेश्चन आवर होगा, प्रश्नकाल होगा, जहां पर कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, एमपी होंगे, वो मिनिस्टर से क्या करेंगे, क्वेश्चन रेज करेंगे, और मिनिस्टर को उन क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो बोलते हैं उसे क्या, क्वेश्चन आवर। अब ध्यान रखो एक और टर्म आता है जीरो आवर। तो जीरो आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर के बाद का समय क्या होता है, जीरो आवर, 1 घंटे, मतलब मैं बोलूं कि 11 से 12 हो गया, अब 12 बजे के बाद 1 बजे तक क्या चलेगा, जीरो आवर चल सकता है, या फिर मैं बोलूं कि जब तक उस दिन का जो मुख्य एजेंडा है वो स्टार्ट ना हो जाए। जैसे मैं बोलूं कि मालदीव क्राइसिस पे अगर बात करनी है, ये मुख्य एजेंडा है कि मालदीव क्राइसिस में इंडिया का हस्तक्षेप हो या ना हो, तो ऐसा अगर कोई मुद्दा है तो 12-1, 11-12 तो क्वेश्चन आवर चला, लेकिन 12-1 जीरो और चलेगा, या मैं बोलूं कि 2-6 फिर होना है तो 2-4 भी चल सकता है, जब तक कि पार्लियामेंट में उस दिन का पार्टिकुलर मुद्दा स्टार्ट ना हो जाए, तब तक का जो बीच का समय होता है, यानी क्वेश्चन ओवर और जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इश्यूज है, उसके बीच का समय क्या कहलाता है, जीरो और कहलाता है। तो याद रखना, ये मैंने आपको बता दिया, जीरो और इंडिया के द्वारा बनाया गया, इंडियन कहीं से इसको एडॉप्टेड नहीं किया है संविधान में, ठीक है, याद रखना। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, मोदी इन रामल्ला टुडे टू डिस्कस पीस प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखना कि मोदी वेस्ट एशिया की 3 कंट्रीज में विजिट करने गए हैं। वो 3 कंट्री क्या है आपको पता होना चाहिए, पैलेस्टाइन जिसे बोलते हैं फिलिस्तीन, और दूसरा क्या है, दूसरा ओमान है, और तीसरा क्या है, यूएई, यानी गल्फ कंट्री बोलते हैं, यू नो, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मैप दिखाया है, ये देखो फिलिस्तीन है, ये गाजा पट्टी है, ये वेस्टर्न बैंक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फिलिस्तीन बनाते हैं। बाकी जो ये जगह दिख रही है ये क्या है, ये आपका इजराइल है। तो इजराइल और फिलिस्तीन में क्या विवाद चल रहा है, अभी हाल ही में आपको पता है कि इजराइल का जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे यहाँ पे आए थे, ठीक है, उसके बाद भी ये आपके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फिलिस्तीन में गए, तो हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारे और इजराइल के रिलेशन में, यू नो वेरी वेल इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो कंट्री है वो क्या, हमारे ओमान। तो ओमान आप देख रहे हैं ये क्या है, ये यहां पर आप देख सकते हो गल्फ ऑफ पर्सिया, ठीक है, फारस की खाड़ी जिसे बोलते हैं, ये ओमान हो गया, और ये क्या है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूएई और ओमान में आए, और यहां पर क्या है, ये यहां पर रेड सी है, और ये क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहां पर ये क्या है, ये ब्लैक सी है, ठीक है, ये ऊपर वाला फिगर है, नीचे वाला ये क्या है, ब्लैक सी है यहां पर, तो ध्यान रखना। और ये यहां पर कौन सा सी है आपको बताना है, ठीक है, अजरबैजान के पास, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया है, तो मैंने आपको ज्योग्राफी भी दिखा दी, अब क्वेश्चन भी पूछ देता है कि बताओ मेडिटेरियन सी से कौन कौन सा कंट्री लगता है, आईएस में पिछली बार आया था क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, ये आपका टर्की है, सीरिया है, तो बता सकते हो, लेबनान है, ठीक है, जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन क्वेश्चन में ऑप्शन में था, तो बहुत सारे लोगों ने जॉर्डन भी लगाया, ठीक है, इजराइल है, ठीक है, तो उसके बाद इजिप्ट है, तो ये सब कंट्री क्या है, ये आते हैं वेस्टर्न एशियन कंट्री में आते हैं। तो मोदी इन रामल्ला टुडे, रामल्ला क्या है, रामल्ला एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस है किसका, मैं बोल सकता हूं ये है आपका फेलिस्टाइन, मतलब
फिलिस्तीन का, ठीक है। तो सबसे पहले वो अब क्वेश्चन आता है कि जॉर्डन, जॉर्डन तो क्या करने गए, जॉर्डन से निकल रहे हैं तो पहले जॉर्डन में स्टे कर लिया, वहां के भी प्रेसिडेंट से मिल लिया, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिगेन हिज 3 नेशन वेस्ट एशिया टूर ऑन फ्राइडे विद अ स्टॉप ओवर। तो देखो स्टॉप ओवर मीन्स क्या होता है, स्टॉप ओवर मीन्स होता है कहीं पर रुकना, स्टे करना। तो ये एक आपको मैंने यहाँ पे टर्म बता दिया, ठीक है, बाकी आपको इतना कुछ पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे कुछ हम देख लेते हैं कि इंडिया पैलेस्टाइन, ठीक है, क्या रिलेशन है और क्या फायदा है इंडिया को। तो पैलेस्टाइन बिजनेस लीडर्स वाइल बोथ गवर्नमेंट में कमिट टू ग्रेटर स्किल ट्रेनिंग एंड टैक्स सपोर्ट बाय इंडिया स्पेशली इन द मेडिकल एंड एजुकेशनल सेक्टर। बता दूं आपको कि इंडिया का ऑफिशियल कोई ट्रेड अभी नहीं होता है किससे, फिलिस्तीन से, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इसमें शुरुआत कर रहा है कि भाई हम यहाँ पर अगर जाएं तो ये क्या है, गल्फ कंट्री है, इससे हमें कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ये कंट्री हमारे यहाँ पे एफडीआई ग्रुप में भी काम कर सकते हैं, हमारे यहाँ का लेबर भी यहाँ काम कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, ठीक है, और क्या कि स्पेशली हम लोग किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, मेडिकल एंड एजुकेशनल सेक्टर्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंडिया यूए की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद इंडस्ट्री लीडर इन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ध्यान रखो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, फर्स्ट क्या है चाइना, ठीक है, और दूसरा क्या है इंडिया का एक्सपोर्ट, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन क्या है, वो है आपका यूएई, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है तो ऑब्वियसली कि हमें ट्रेड रिलेशन अच्छे बनाने होंगे, क्योंकि अभी आप यहां पर देख रहे हो, हाउ एवर ऑफिशियल स्टेटस स्टेटिक्स शो द एफडीआई हैज फ्लोट डाउन ओवर द लास्ट 2 ईयर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर नेशन। मैं आपको बता दूं कि ये जो यूएई है ये 10th लार्जेस्ट एफडीआई कंट्री है, किसमें, भारत में, ठीक है, तो ध्यान रखना 10वां कंट्री ऐसा जो भारत में ज्यादा निवेश करता है, लेकिन 2 साल से देख रहे हैं, 2 साल से क्या हो रहा है, 2 साल से निवेश में क्या गिरावट आई है, तो ध्यान रखना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। साथ में क्या, विद न्यूज फ्रॉम शेकडम वार्निंग फॉर मोर क्रॉकडाउन ऑन द अनरेगुलेटेड हायरिंग ऑफ फॉरेन वर्कर्स। मतलब यहाँ की ये वार्निंग दे दी गई है कि आप क्या कर रहे हैं, अनरेगुलेटेड अनियमित जो भी यहाँ पर वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को क्या वहां से निकालना, तो एक ध्यान रखना उनकी हायरिंग ना करना, ठीक है। तो एक भी ये भी मुद्दा है, तो ये भी मुद्दा सॉल्व होगा वहां पे। तो मैंने आपको फिलिस्तीन और यूएई के बारे में बता दिया, उनके रिलेशन के बारे में बता दिया, आई होप समझ में आया होगा। अगला न्यूज किया हमारा, नॉर्थ कोरियन लीडर्स गेट वार्म रिसेप्शन, यू नो वेरी वेल। यहां पर ध्यान रखना है क्या आपको कि साउथ कोरिया, मैं बात नहीं कर रहा हूं नॉर्थ कोरिया, क्या बात कर रहा हूं, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की, ठीक है। तो ध्यान रखना कि साउथ कोरिया में क्या होने वाले हैं, विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये निकल रही है यहां से। और कहां पर ध्यान रखना, प्योंगचैंग, प्योंगयोंग नहीं है, ध्यान रखना, एक क्या है नॉर्थ कोरिया और एक है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी है वो शियोल है, यू नो वेरी वेल शियोल, ठीक है। और जो नॉर्थ कोरिया है उसका कैपिटल क्या है, उसका कैपिटल है प्योंगयोंग, प्योंगयोंग, और यहां बात किसी कर रही है, प्योंगचैंग की बात कर रहे हैं, तो ये वाला प्योंगयोंग नहीं है। साउथ कोरिया में एक प्लेस है उसका नाम है क्या, प्योंगचैंग, वो है प्योंगयोंग, उसकी कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, साउथ कोरिया की सियोल है, ध्यान रखना साउथ मतलब एस, ठीक है, यहां पर भी एस है, तो एस एस याद रखो, साउथ कोरिया की सियोल। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट केवल न्यूज यही है कि विंटर ओलंपिक्स कहां होने जा रहे हैं, विंटर ओलंपिक्स साउथ कोरिया में होने जा रहे हैं, किस जगह पर, प्योंगचैंग। तो चलते हैं अगली न्यूज पर, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप टू जैन ग्रू 19.3%। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां से आप न्यूज ले सकते हैं कि विद इन डायरेक्ट टैक्स नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 19.2% बढ़ा है, एंड नेट पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन 18.6% बढ़ा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है कॉरपोरेट सेक्टर में कितना वृद्धि हुआ, या आपसे पूछ सकता है कि इनकम टैक्स में, ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स में कितना वृद्धि हुआ, इनकम टैक्स में कितना रेवेन्यू में वृद्धि हुआ, ये आपको बता देना है, केवल इतना इसमें पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और कह रहा है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप टू जनवरी 2018 ग्रू 19.3%। तो ये भी याद रखना कि अगर नेट डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बात करें, टोटल जो डायरेक्ट टैक्स जितने भी होते हैं ना, उसमें 19.3% का वृद्धि हुआ है। तो ध्यान रखना, कॉरपोरेट टैक्स में बात करें 19.2, इनकम टैक्स में तो आप बता सकते हो 18.6, और ओवरऑल टैक्स में बात करें कि नेट कितना है, तो 19.3। चलते हैं अगली न्यूज पर हमारा,
तो नुई अपॉइंटेड आईसीसी डायरेक्टर, तो नुई कौन है इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपसे पूछ सकता है कि ध्यान रखो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ध्यान रखना इनको क्या चुना गया है, डायरेक्टर चुना गया है, फर्स्ट महिला, फर्स्ट वीमन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ठीक है, जो क्या है डायरेक्टर बनी है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि पेप्सिको की चेयरमैन, पेप्सिको की चेयरमैन है ये, ठीक है, एंड सीईओ नाम क्या है, इंदिरा नुई। तो याद रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीज है कि इंदिरा नुई को डायरेक्टर बनाया गया। किसका डायरेक्टर बनाया गया, यू नो वेरी वेल, बता सकते हो, ठीक है, आईसीसी का। चलिए, और कितने ईयर के लिए होता है, 2 ईयर्स के लिए, कितना, फॉर 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, मैंने ये बता दिया आपको। और अब एक इंपॉर्टेंट नीज आपको और बता देता हूं, ठीक है, जो कि क्या है कि पैलेस्टाइन में मैंने इसको मिस कर दिया था, वो ये है कि इन पीएम मोदी विकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु विजिट पैलेस्टाइन। ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे कौन सा प्रधानमंत्री है जो फर्स्ट टाइम विजिट किया पैलेस्टाइन। ठीक है, तो गाइज ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज रही, साथ में जो वोकैबुलरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा आप, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, ठीक है, और हमारी इस एजुकेशन रिवॉल्यूशन में एक मेंबर की तरह काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।